अगर आपने दूसरा उम्रा करना है तो आपको हरम से बस लेकर मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। बस भी जाती हैं और टैक्सी भी मिल जाती हैं। जब भी आप उम्रा और तवाफ़ की नियत करें तो उम्रे का पहला चक्कर इस सब्ज़ लाइट से स्टार्ट होता है। हजरत अस्वद के सामने इस तरह खड़े हो जाएं कि आपका जो दायां कंधा है हजरत अस्वद की बाईं सिमत आ जाए, और फिर उसको देखकर दुआ मांगें और उसके बाद अपने तवाफ़ का आगाज़ करें। तवाफ़ के पहले तीन चक्रों में रमल किया जाता है। रमल के अंदर छोटे कदम और पहलवानों की तरह चला जाता है और बाकी चार में बाकी आ जाता है। तवाफ़ का एंड भी ये सब्ज़ लाइट के ऊपर होगा। उसके बाद मुल्तज़िम के सामने खड़े होकर दुआ मांगें। मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा ने मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं लिखे हैं, आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से जो भी मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। उसके बाद दो रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ें और उसके बाद मुकाम इब्राहिम पर जाकर दुआ करें। दम पीने के बाद आपने यहाँ पर आना है और सफ़ा के ऊपर खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुँह कर कर आपने दुआ मांगनी है, फिर उसके बाद आपने सात सा करने हैं। लाइटों पर आपने तेज़ी की रफ़्तार से भागना है, यूँ कि आप झपकने के लिए किसी की तरफ आ रहे हों। यहाँ पर जो दुआ मांगी जाती है वो बहुत कबूलियत की दुआ होती है। ये सामने मरवा की चढ़ाई है, यहाँ पर पहुँचकर आपका एक चक्कर पूरा हो जाता है। अगर आप साफ मरवा से स्टार्ट करेंगे बजाय सफ़ा के तो आपके साफ मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि वो होगा ही नहीं। आपको हर हाल में सफ़ा से अपना सा स्टार्ट करना है। सा के बाद उम्र के अरकान पूरे हो गए हैं। अब उम्र के आराम से हलाल होने के लिए अपने सर के बाल बढ़वाएँ या मशीन से कटवाएं। बाल कटवाने के बाद आराम की जो चादरें हैं उन्हें उतार दीजिए, गसल कीजिए, लिबास पहनिए। आपका उम्र पूरा हो गया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। इसकी बरकतों और सातों की अलामत आपकी ज़ाहरी और बातनी ज़िंदगी में रोशनी रखे, आमीन। यहाँ पर जो बयान हो रहा है वो उर्दू के अंदर हो रहा है। इस तरह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी दो काली चीज़ें हैं, खजूर और पानी। आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे आपको हर दरवाजे से हर कोने से रश ही मिलेगा। एक जमे वफीर है लोगों का हजरत अस्वद को बोसा देने के लिए यहाँ पर। इसके बिल्कुल नीचे नफल पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। Oh,
जितनी ज़्यादा ये डेवलपमेंट हरम के अंदर हो रही है, कल जब ये डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो हरम और बड़ा से बड़ा लगेगा। तो हरम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर और ज़्यादा लोग आ सकेंगे और इनके काम की रफ्तार बहुत अच्छी है। लास्ट इंसिडेंट के बाद इन्होंने सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, बैरियर लगाकर जगह जगह रास्ते बंद कर दिए हैं जहाँ पर क्रेन वगैरह लगी हुई हैं। फजर की नमाज के बाद का ये मंज़र है कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा लोगों का रश है। ये मेरा कैमरा अभी और ज़ूम होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पीछे तक कितना रश है। लोगों का ये रश आपको हर नमाज के बाद हर टाइम 24/7 मिलेगा। यहाँ पर रश कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। ग्रुप के साथ आते हैं तो वो ग्रुप आपको सब जगहों पे लेके जाता है, गाड़ियाँ वो ऑर्गेनाइज करते हैं और सारी दुआएं याद कराते हैं। ये ग्रुप बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट आपको ये होता है कि जिन चीज़ों का आपको नहीं पता तो आपका जो ग्रुप को लीड कर रहा होता है वो आपको स्टेप बाई स्टेप करके बता देता है। ये इस टाइम 20 से 25 लोगों का ग्रुप लग रहा है मुझे। ये हरम से बाहर की एग्ज़िट है और इसे गजा कुबरी कहते हैं। यही रोड आपको मस्जिद जिन की तरफ ले जाएगी जो सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर है। ये बारबर शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। ये ऊपर लेडीज का हिस्सा है, यहाँ पर लेडीज नमाज पढ़ सकती है। ये सामने वो मस्जिद है, जब फतह मक्का हुआ था तो जो झंडा लहराया गया था फतह मक्का का, तो इस मस्जिद के ऊपर उन्होंने झंडा लहराया था।